गोलियां कौन सी हैं, औषधि कौन सी है, अब ये सिलेक्ट करना है। अपुनात्मा, अभी आपको बताया कि जैसे पुराण हैं, पुराणों का ज्ञान इन फरिश्तों द्वारा, ऋषियों द्वारा, देवताओं द्वारा दिया गया है। इन पुराणों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम न तो ज्ञान से हमारा लिंक नहीं बगती विधि में, उससे केवल हमने वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि वो क्या साधना करते थे। अब किसी में एक जो ये मंत्र हैं आपको दिए गए हैं, जो दास आपको प्रथम मंत्र देता है जिसमें सात नाम हैं, तो उनमें से आप देखिएगा श्री शिव पुराण में, श्री विष्णु पुराण में और श्री दुर्गा पुराण में, श्री ब्रह्मा पुराण में, उनमें से कोई एक मंत्र का जाप करता है, कोई तो केवल ओम का जाप करता है और कोई हरम, जिसको हरियम कहते हैं हम, और कोई केवल एक ही नाम का जाप करते हैं, किलम किलम किलम, वो किलियम जो हम बोलते हैं आपको। तो पुण्यात्माओं, ये जो है, जैसे हम एक कोई गाड़ी है, कार है, कोई तो एक टायर को लेकर घुमाता फिर रहा, कट जाओ मेरी गाड़ी आ रही है, वो तो बालक खेल रहे हैं उनसे। कोई स्टेयरिंग लेकर निकाल रहा है, कहता हट जा गाड़ी आ गई, मैं गाड़ी चला कार चला रहा हूँ, बालक खेल ला कर जैसे। तो इन संतों ने, इन ऋषि महर्षियों ने और इन गुरुओं ने, देवताओं ने ऐसा ही खेल खेला है। इन सभी पार्ट्स को मिलाकर वो गाड़ी बनती है और फिर वो गाड़ी ठीक चलती है। तो इस दास ने, परमात्मा ने कृपा की, आध्यात्मिक इंजीनियर बनाया, आध्यात्मिक डॉक्टर बनाया। तो राम नाम की गाड़ी भी दास ने तैयार कर रखी है, बिल्कुल ओके सब पार्ट्स मिला के। हमारे सदग्रंथों में जेनियन पार्ट्स हैं, जेनियन बिल्कुल, लेकिन उनको हम मिला नहीं सके, उनको उनसे हम गाड़ी नहीं बना पाए थे अभी तक। तो इस प्रकार ये हमारा भक्ति क्रम सफल नहीं हो रहा था और हमारा मानुष जीवन भी व्यर्थ हो रहा था। तो वो मंत्र हमने वेद, प्रथम वेदों से, यानी वेदों से, और क्योंकि वेदों को साथ दास इसलिए ले रहा है क्योंकि वेद भी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है, और वेदों को इस काल ब्रह्म के कंप्यूटर अंतःकरण में, इसके हर्ट में डाल दिया गया था, और वहां से फिर इसी से बाहर निकलवा दिया, जैसे किसी का उल्टी गिर जाया करो, उसके बस की बात नहीं। तो ऐसे परमात्मा ने इस काल के अंदर से ये चारों वेद, पांचों वेद निकलवा दिए। इसने क्या गलती की, वो पांचवा जो सूक्ष्म वेद था वो निकाल दिया, उसको सभा कर दिया, समाप्त कर दिया, दबा दिया, मिटा दिया, वो दिया नहीं। और चार वेद जिसमें वे ऑफ वर्शिप केवल ब्रह्म तक की थी वो दे दिया। उन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, और वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग केवल ब्रह्म तक का है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक मंत्र नंबर 15 में, ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अध्याय नंबर 15 पर चलते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 मैरी सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, मैरी सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फॉक्स फोन नंबर है, फैक्स फोन नंबर।
इसके 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 44 अध्याय और 15वां श्लोक मंत्र या श्लोक कुछ भी को इसको, इसमें क्या लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम बसमांतम शरीरम, बसमांतम शरीरम ओम करतो समर किल्बे समर कर्तुम समर ओम करतो समर किल्बे समर कर्तुम समर, 15वां श्लोक 40वें अध्याय। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम बसमांतम शरीरम, इसका क्या अर्थ बनता है, साधना करने वाले प्राणी का स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर में है जब वो अंत होता है उससे में उसका जो शरीर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है वो उसमें अमृतत्व हो जाता है, यानी उसको अमृतत्व प्राप्त होता है। कितना होता है, क्योंकि जिस मंत्र से हम जितनी कमाई करेंगे उतनी ही पावर उसकी उतनी ही शक्ति हमारे में प्रवेश होगी। तो इसमें कहा गया ओम कर्त्यो समर और किल्बे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते, कर्तो माने काम करते करते सिमरन कर, और किल्बे माने किस बिल्कुल किलबलाहट कहते हैं ना, ये किलबलाहट माच गई बहुत कसक के साथ, यानी विशेष कसक के साथ सुमरन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर कर्तम समर। अब इसने कैसा अनुवाद किया है महर्षि दानंद जी ने, हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने कर्म करने वाले, इसका अर्थ बनता है, अच्छा तू शरीर छूटते समय, शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर। देखो इन्हें कहेगा पता था एक नहीं, अब इसमें सीधा लिखा ओम का स्मरण कर, और ये स्वामी जी कह रहे हैं शरीर छूटते समय ओम, जिसका ओम नाम है ना, जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण कर, ओम का नहीं, ओम जाप नहीं करना, उसका केवल जिसका ओम नाम है, इस नाम वाची, यो ओम लिखा ना ओम, इस ओम नाम वाच्य जिसका यो ओम नाम है, इस उस ईश्वर को स्मरण कर, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नाम वाच्य यानी यहां लिखना था इस ओम का स्मरण कर, ओम करतो समर है सीधा सा अर्थ है बता इसमें, ओम नाम का जाप काम करते करते, काम करने वाले जीव इसने लिख दिया, काम करते करते एक कर्म योगी इसको समझो, हे कर्म योगी काम करते करते ओम नाम का स्मरण कर, और इस ओम नाम का स्मरण विशेष कसक के साथ कर, और अपना कर्तव्य विशेष कर्तव्य समझ कर काम कर। इन्होंने कैसा अनुवाद किया इसको, तो वैसे भी हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर, ओम का नहीं, इस नाम वाच्य जिसका यू नाम है, ओम नाम है उसका स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप का के स्मरण करे, अपने किए का कर्तव्य माने किए का स्मरण कर, इस संस्कार वायु धनज्जा आदि वायु अनिलम कारण रूप, वायु को कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता हुआ अथ इसके अंतर यह
शरीरम नष्ट होने वाला सुखादि भस्म आश्रय शरीर भस्म तम अंत में भस्म हो जाने वाला ऐसा जानो अपुण्य आत्माओं। इसका सीधा सा असर बनता है कि वेद में ओम नाम के अतिरिक्त किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान या आदेश नहीं है। ओम नाम का जाप फाइनल है और ये मंत्र वेदों में है, ये हमारे प्रमाणित सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त यदि किसी ऋषि ने कोई जाप अपने मनमुखी साधना की है किसी मंत्र की, तो उस मंत्र का जाप मोक्षदायक नहीं है, उसको हमने नहीं जपना, उसको यूज नहीं करना, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन चारों वेदों का सारांश है और इसमें संकेत दे रखा है उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का। सांकेतिक है वो, क्लियर नहीं है, उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। वेद ज्ञान दाता, गीता ज्ञान दाता, वो ब्रह्म उस यथार्थ भक्ति मंत्र से परिचित नहीं है, केवल अपने सत्र का ज्ञान वो सही बता रहा है कि मेरा ओम नाम है, इसका जाप करो। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है और व्यवहारण यानी उच्चारण करके अनुसमण करता हुआ जो प्रयाति तदंदेहम शरीर छोड़कर जाता है, सह याति परमाम गतिम, वह इस ओम से मिलने वाले जो अमर तव है, जितना सथाई तव इस ओम से मिलेगा उस परम गति को प्राप्त होता है। इन्होंने कैसा अनुवाद किया है, यहाँ से शुरू होता है, ये इकट्ठा करके इन्होंने 12 और 13 का। जो पुरुष ओम ओम ओम, ये ठीक किया इसने, अनुवाद ठीक किया है। दान देने तो कुछ भी नहीं करना आवा था, मैं ऋषि दान उसको नहीं ज्ञान था वेदों का बिल्कुल भी। इस एक अक्षर ओम पीछे पढ़ लिया, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्यवहार करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का, ये कोई बात है, यह लिखना था मुझ ब्रह्म का, यहाँ निर्गुण ब्रह्म लिख दिया इसने, और इसी दा लिख रखा ब्रह्म माने ब्रह्म माम माने मुझ, मुझ ब्रह्म का ओम पीछे लिखा ओम यह एक इति माने यह है एक अक्षर है, एक अक्षर है ओम उच्चारण करता जो ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं वेदों में गीता जी में बहुत ही निर्णायक और तृतीय वाइज ज्ञान दिया हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि परमात्मा आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत् ब्रह्म की जानकारी दी है कि उस ब्रह्म को तत् ब्रह्म को जान कर और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित हो जाता है और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो तत् ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये पूछा है किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम,